सबकी तशरीफ़ आप जी का शुक्रिया। वो अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि नमाज ख़त्म हुई है और लोग आ रहे हैं, मगर इस दौरान हम कुछ तारुफी कलिमात और मेहमानों को यहाँ बुलाने का सिलसिला कर लेंगे, चाहे कुछ वक्त हमारा बच जाए। आज की जो महफिल है वो इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद है कि आमतौर पर इस किस्म की जगहों पर पॉलिटिकल बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते हैं और ज़्यादातर जो मामलात रहते हैं वो इसी तरह के जो कारोबार से मुतालिक होते हैं, मगर आज हमने जो ये एक महफिल मुनक़िद की है ये खालिसतन इल्मी नौयत की है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अनीक अहमद साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। अनीक अहमद उन चंद लोगों में से हैं जिनका एक बहुत लंबा सफ़र है। मैं गालिबन कुछ 30 साल हो गए अनीक से मेरे ताल्लुक़ को, तो इनका पूरा सफ़र हमारी नज़रों के सामने है और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये वाला हवाला है इल्मी अदबी गुफ्तगू का और ये जो डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई और आदमी मेरी निगाह में नहीं जिसने इतनी मेहनत की हो और वक्त के साथ साथ अपने आप को दोबारा, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं री इन्वेंट करते रहना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि अपने आप को रेलेवेंट रखा जाए। अभी इनसे बात हो रही थी तो बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने बताई कि 3,500 प्रोग्राम ऑन एयर जा चुके हैं इनके, और ये एक गैर मामूली बात है कि आप रोज़ाना ताज़ा मवाद के साथ ऑथेंटिक मालूमात के साथ टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हों, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है कि गलती हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुरान की हदीस की और उसमें आपका ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो ऑथेंटिक ना हो और रेलेवेंट ना हो। तो इससे पहले कि उनको हम गुफ्तगू के लिए बुलाएं, पहले मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अनीक अहमद साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ जलवा अफरोज़ हों और फिर हम उनको दावत देंगे। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दोस्त और अनीक अहमद के साथी जो ख़ुद कारोबारी हलकों में और लॉ के हवाले से अपना एक मकाम रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ये लंदन यूके में मुनक्किद करते रहे और इस बार ये अनीक के साथ साथ यहाँ पे कनाडा के दौरे पे भी हैं और उम्मीद है कि ये बाद अज़ां भी तशरीफ़ लाते रहेंगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मुबीन रशीद साहब से तशरीफ़ लाएँ, अनीक अहमद साहब के पहलू में तशरीफ़ रखें। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे तो ये गुफ्तगू हो रही थी कि कितने लोग आए हैं, तो यही बात हो रही है कि लोगों की तादाद कम है, तो अनीक ने एक फकरा कहा जो सिर्फ अनीक ही कह सकते हैं कि हम लोगों को गिनते नहीं लोगों को तोलते हैं, तो तादाद उतनी अहम नहीं होती, सुनने वाले कौन लोग हैं, और यकीनन जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे तादाद में भी इजाफा होगा, मगर थैंक्स गिविंग का वीकेंड है और ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो मकसद होता है वो हासिल होना चाहिए। अगर दीन की बात हदीस की बात और सच्ची बात चंद लोगों तक भी पहुंचती है तो ये एक सदक़ा जारिया है, तो ये अमल जारी रहना चाहिए। मैं ज़्यादा देर आपके और अनीक के दरमियान हायल नहीं रहूँगा। फॉर्मेट प्रोग्राम का ये है कि हमने अनीक साहब को कोई मौजू नहीं दिया, उनकी मर्ज़ी है, वो तशरीफ़ लाएँगे, जिस मौजू पर उनका जी चाहेगा गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद वक्त हमारे पास चूँकि होगा हाज़रीन की तादाद कम है तो आप सबको सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हम सब के लिए कि जितना भी हम इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं और सीख सकते हैं उतना सीखें। मैं नहायत अदब और एहतराम से दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब अनीक अहमद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और आप सबसे मुखातिब हों। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
मोहतरम ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने कदीम दोस्त इरफान सत्तार का। इरफान सत्तार से बस सदियों की मुलाकात, सदियों से ताल्लुक, हमने ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त साथ गुजारा कराची में, और कराची में हम अदबी नशस्तें ख़ास तौर पर हमने एक साथ अटेंड की। और क्या वक्त था, जैसा इरफान ने बताया कि वो 30 बरस का किस्सा है ये। मुझे अच्छा लगा यहाँ आना कनाडा, और इत्तेफाक की बात है कि मैं कनाडा ये पहली मर्तबा हूँ। बिल्कुल अजीब वाक़या, क्योंकि अमेरिका जाना मुस्तकिल रहा पिछले 20 बरस में, लेकिन अजीब वाक़या होता था कि कनाडा आने का कोई प्रोग्राम बनता था लेकिन कोई ना कोई बात हो जाती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता बस दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती रही कि कनाडा बस अब जाने ही जाना है। तो इस बार मैंने एक काम किया, वो काम ये किया कि पहले मैं कनाडा आऊँगा फिर अमरीका जाऊँगा, वरना अगर अमेरिका चले गए तो मैं दोस्तों से इरफान अक्सर ये कहता हूँ कि कराची और हैदराबाद, आप में से पाकिस्तान से मुतालिक लोग ज़्यादा हैं, कि कराची से हैदराबाद दूर है लेकिन हैदराबाद से कराची करीब है। तो लोग आराम से आ जाते हैं हैदराबाद। तो कनाडा अमेरिका जाकर आना बड़ा मसला। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा अपने लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, और एक वो जो अमेरिका का एक बेहंगमपन है वो नज़र नहीं आया मुझे। मैं खुदा का शुक्र है, जो एक कंपटीशन, कोहनी मार के आगे बढ़ना, एक अजीब मामला, तो अच्छा लगा। और मैं इस सिलसिले में इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इरफान का कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये माह मुबारक, यह है रबीउल अव्वल का महीना, यह है विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। ये क्या क्या ख़ास बात है इस माह मुबारक की, या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत अगर नहीं होती तो दुनिया किन किन चीज़ों से महरूम रहती। सवाल अन्नबी औला बिलमोमिनीना मिन अनफुसहिम, मैंने अभी तलावत की ये आयत कुरान करीम की, तुम्हारी जानों से ऊपर हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। वमा आता कुमर रसूल फखुजू हो वमा नहा कुमानो फंतहू, जो रसूल तुम्हें दें ले लो, जिससे रोक दें रुक जाओ। ये कुरान करीम बयान कर रहा है। इस माह मुबारक को जोड़ेंगे इस बात से कि ये माह मुबारक हम यूं ही बस गुजार लें। वइन्नका लाला खुलुकिन अजीम, अल्लाह ताला फरमा रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि हमने आपको अखलाक अजीमा पर फायज किया। अखलाक अजीमा, अखलाक हसना, अखलाक करीमा, अखलाक अजीमा, इन तीनों में कोई फ़र्क है? अखलाक हसना, आपने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मैंने उतना ही बदला ले लिया, ज़्यादती नहीं की, तो ये ज़्यादती नहीं करना या अखलाक हसना, ये इसकी इजाज़त दीन देता। अखलाक करीमा, आपने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए मैंने माफ़ कर दी। यह अखलाक करीमा। लेकिन अखलाक अजीमा, वइन्नका लाला खुलुकिन अजीम, हमने आपको अखलाक अजीमा पर फायज किया कि जिन्होंने आपको तकालीफ पहुंचाई, जो आपकी जान के दुश्मन रहे, जिन्होंने आपको हिजरत की रात कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और मंसूबा ये बनाया कि हम फर्दन फर्दन कोई काम नहीं करते बल्कि इज्तिमाई तौर पर हमला करते हैं, ताकि जब मुख्तलिफ कबाइल हमला करें और कोई कत्ल हो जाए तो किसी पर जुर्म साबित नहीं हो सकता, जब सब ने मिलकर हमला कर दिया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में फातेहाना शान से दाखिल हो रहे हैं,
और कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं, आज तुम सब आजाद हो। ये ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इरफान सत्तार साहब कुरान करीम में एक और जगह भी पहुंचू, किसी और ने भी पढ़ी थी यह आयत। वो कौन था जिसने पढ़ी यह आयत? वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम किसको माफ कर रहे हैं? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम किसे माफ कर रहे हैं? अपने भाइयों को। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे माफ कर रहे हैं? अपनी जान के दुश्मनों। वइन नकल आला खुलुकिन अजीम, अब इस बात को यहां जोड़ दीजिए, भाई ख्वा कितना भी घटिया हो जाए रहता भाई है, भाई को माफ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक के लिए एक रोल मॉडल, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना बयान कर दिया गया कुरान करीम में, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमिल अखलाक, मैं अखलाक को उनके मकारिम उसकी बुलंदी तक पहुंचाने के लिए मबूस किया गया हूं। अखलाकियात मैंने आपसे कुछ सीखा, आपसे कुछ सीखा, आपसे कुछ सीखा नहीं, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया वो अखलाक बन गया। ये है फर्क टू डूज करने के काम। ये गुफ्तगु महज गुफ्तगु ये नहीं होनी चाहिए। हम कराची में एक 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 जुमला या एक लफ्ज़ बहुत चलता है कराची में कि ये शख्स महज लफ्ज़ों की जुगाली कर रहा है। लफ्ज़ों की जुगाली कोई और चीज़ होती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको जहाँ देखना चाहते हैं मैं और आप वहाँ नज़र आएँ, और वहाँ से गैर हाजिर नज़र आएँ जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना नहीं चाहते। सिंपल। और मैंने अभी तिलावत की बात कि वमा आताकुमुर रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो तुम्हें दें ले लो, जिससे रोक दें रुक जाओ। दीन दारे नबूवत से शुरू होकर दारे नबूवत पे ख़त्म हो जाता है। दीन दारे नबूवत से शुरू होकर दारे नबूवत पे ख़त्म हो जाता है। अगर बहू न रसीदी तमाम बूलह बीस इकबाल फरमा रहे तो हमारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? मैं कुरान करीम की एक आयत पेश करता हूँ, उसको जोड़ता हूँ हालात हाजरा से। बमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हम सब पढ़ते रहते हैं, हम सब जानते हैं कि हमने, अल्लाह फरमा रहा है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम उम्मती हैं, एक उम्मती मर्द है, एक उम्मती औरत है। क्या रहमत की कोई छींट मेरे और आपके अंदर आई है? इस बात को और आगे बढ़ा देते, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। अल्लाह रहमान है और रहीम है, अल्लाह राज़िक है, मालिक है, मलिक है, मुहिमिन है, हाकिम है, हकीम है। सिफात पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अल्लाह रहमान है रहीम है, क्या मेरे अंदर इंसानियत के साथ कोई रहम पैदा होता है या नहीं होता? अल्लाह राज़िक है, क्या मैं लोगों के रिज़्क को फराहम करने में मददगार शामिल साबित होता हूँ? अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। अल्लाह हकीम है, क्या मेरी ज़िंदगी के मामलात में मेरे फैसले, मेरे मामलात हकीमाना हैं या जाहिलाना? जाहिल और आलिम अहले इल्म, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, जो अहले इल्म होते हैं वो और जो अहले इल्म नहीं है वो, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इल्म किसे कहते हैं? इल्म किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मो मखाफतुल्लाह, इल्म खुदा खौफी का नाम है। इल्म खुदा खौफी का नाम है। मैं जितने भी, बल्कि इकबाल का जुमला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इकबाल कहते हैं कि हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दुनिया के हर इल्म को मुसलमान करे। और फरमाया आप, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दुनिया के हर इल्म को मुसलमान करे। तो इल्म हासिल करके उसे दीन का खादिम कैसे बनाया जाता है? इल्म को दीन का खादिम, एक्सपर्टीज है मेरी, मैं आईटी का एक्सपर्ट हूं, या मैं बड़ा बैंकर हूं, या मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूं, या मैं बॉटनिस्ट हूं, फिजिसिस्ट हूं, क्या फिजिक्स पढ़कर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस इल्म से तौहीद को निकाल दिया? इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, रब के नाम से पढ़ना है। रब को निकाल कर कोई इल्म नहीं। अगर कोई इल्म की बात करता है तो वो इल्म के अलावा हर चीज हो सकती, वो इल्म नहीं हो सकता। ये हमारा दीन बयान करता है, यानी इल्म सेकुलर नहीं होता, इल्म सेकुलर नहीं होता, अखलाकी तौर पर इंसान की परवरिश करता है। और अखलाकी तौर पर परवरिश सिर्फ उसी वक्त हो सकती है कि जब मेरे और आपके अंदर जवाबदही का एहसास हो, जवाबदही का एहसास कि हाँ मुझ पे एक चेक है, मुझ पे एक चेक चेक है, इन्नमाल उसर युसन, इन्नमाल उसर युसरा, कि ये देखो ये चेक मुझ पे ये लगा हुआ है कि मैं हर हाल में, मेरे अंदर ये बात शामिल रहेगी कि अगर मेरा वक्ती तौर पर मुझे मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो अल्लाह ताला आसानियां भी फराहम कर रहा है। और जब मुश्किलात का वक्त होता है, अगर आ गया मुझ पर, तो मैं डगमगाऊंगा नहीं, इस्तकामत का मुजाहरा करूंगा, सब का मुजाहरा करूंगा। एक सब्र तो ये है कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी आई, मैंने और आपने सब्र कर लिया। लेकिन जहां अहकाम खुदाबंदी की तौहीन हो रही हो, या अल्लाह से बगावत का इम्कान पैदा हो रहा हो मुश्किल वक्त में, इन्नमाल उसर युसन, इन्नमाल उसर युसरा, तो मैं वहां भी नहीं डगमगाऊंगा। ए अल्लाह, मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत में हूं, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हट रहा, मैं सब्र कर रहा हूं। और सब्र किसी मुसीबत या परेशानी की वजह से नहीं कि मेरे घर में किसी का इंतकाल हो गया या कोई हादसा हो गया। अल्लाह ताला की इताअत मुझे मकसूद है, मैं ए अल्लाह तेरी इताअत करता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत, अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमा रहा है अल्लाह की इताअत करनी है। कैसे करनी है? जैसे मोहम्मद बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंपल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा वरब्बुकल अकरमुल लजी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यालम। पहली वही आ गई, गारे हिरा से आप तशरीफ लाए, इंसानियत से जुड़े, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर व रब्बका फकब्बिर। आइए अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, किबरियाई बयान कीजिए। आप इंसानियत से जुड़ जाते हैं, 13 बरस मक्का मुकर्रमा, 13 बरस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह तारुफ नहीं, मुबीन रशीद साहब, रिसालत तारुफ नहीं, अभी नहीं। कुरान करीम की आयत, फकत लबिस्तो फीकुम उम्रम मिन कबले ही अफला ताकिलून, मैंने तुम ही में उम्र गुजारी, तुमने मुझे कैसा पाया? अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? यानी तुमने कभी मुझे झूठा पाया? नहीं, कभी नहीं पाया। कभी मुझे बददयानत पाया? नहीं पाया। जब तुमने मेरी जबान पर कभी झूठ नहीं देखा, झूठ का जो शायबा तक नहीं, तो मैं अब कह रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस वक्त भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम मेरे किरदार की गवाही देते हो, लेकिन जो स्टेटस को हो को है उसको चेंज करने के तुम रवादार नहीं हो, तो तुम्हें रवादार बनना पड़ेगा, तुम्हें तौहीद को मानना पड़ेगा, तो निजात के लिए अपनी तुम्हें रिसालत को मानना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, मैं खातमन नबीयीन भी हूँ, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह है वह खातमन नबीयीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, रिसालत खातमन नबीयीन, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई नबी नहीं आपके बाद, अना खातमन नबीयीन ला नबीया बादी, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मैं खातमन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। शरीयत आखिरी शरीयत, किताब आखिरी किताब, हम और आप आखिरी उम्मत, हमारे बाद कोई उम्मत नहीं। तो जिम्मेदारियाँ क्या हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं? 13 बरस मक्का मुकर्रमा के अल्लाह क्या फरमा रहा है कि आप क्या काम कीजिए? नबी जो काम करता है वो अल्लाह के इज़्ज़त से करता है, अल्लाह की इजाज़त से करता है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, आप ऐसा कीजिए कि इनके सामने तिलावत आयात कीजिए, ऐ मेरे महबूब इन्हें पाक कर दीजिए, आप मुज़क्की हैं, तस्किया कीजिए इनको, रूहानी, हम कहते हैं ना कि प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, ये रूहानी पाकीज़गी क्या होती है इस पर बात करेंगे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, इनके सामने किताब व हिक्मत की तालीम दीजिए इनको, किताब व हिक्मत की तालीम क्या होती है? क्या उम्मत की सतह पर हम किताब व हिक्मत की तालीम ले रहे हैं? इल्म किसे कहते हैं, हिक्मत किसे कहते हैं? आज उम्मत मुस्लिमा में कितने अफराद ऐसे हैं जो इल्म और हिक्मत को जान सकते हैं? कुरान करीम क्या फरमा रहा है कि जिसे हमने हिक्मत अता की फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा, उसे हमने खैर कसीर दिया। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना व जादिल हुम बिल्लती हिया अहसन। अब आप देखिए ख़वातीन हज़रात, यहाँ हिकमत को पहले रखा जा रहा है, मौइज़त को बाद में रखा जा रहा है। ये अल्लाह ताला का कलाम है कि हिकमत से बुलाओ दीन की तरफ, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, जब वाज हो, नसीहत हो, हसना बेहतरीन अंदाज से हो, वह जादिल हुम बिल्लती हिया अहसन, और जब दलाइल दिए जाएं वो गुफ्तगू होगी दलाइल की बुनियाद पर, ऐसा ना हो कि कोई जंगो जदाल की बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, अपनी बात इम्पोज करनी पड़ जाए, ऐसा मामला नहीं। दिल में उतारो बात को। हजरत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं तकल्लमु लितारफु, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, अल्लाहु अकबर। तो जब एक मर्द मोमिन बात करता है तो उसके अंदर जो उलूम हैं और जो दीनी जिम्मेदारियां हैं वो सामने आती हैं। ये वो इल्म होता है जो अपने किरदार को भी साथ लाता है, ये इल्म अपने किरदार को भी साथ लाता है। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हम और आप मिल्लत के मुकद्दर के सितारे हैं, हम दीन के सफीर हैं, क्या हम दीन की जो अकदार हैं उनको संभाले हुए हैं? या ख़ास तौर पे आप हजरात मगरिब में रहने वाले, जब कोई गैर मुस्लिम कोई सवाल करे कुरान को सीखने के लिए, दीन को जानने के लिए, हम में से कितने लोग हैं कि हम इतना इल्म हासिल कर सके हैं कि हम उसको जवाब दे सकें, कायल कर सकें, उसे ये बता सकें कि अगर तुम दीन कबूल करते हो तुम तब्दील मज़हब नहीं कर रहे हो, तुम तकमील मज़हब कर रहे हो। मेरी का जिक्र, जीसस का जिक्र, और वो मकाम तुम जो देते हो उससे ज़्यादा हमारे पास है। तो इल्म और किरदार दो चीज़ें साथ चलती हैं, किरदार अखलाकियात के हवाले से। हमारा अखलाक ऐसा होना चाहिए कि कोई गैर मुस्लिम अपने दिल में ये ख्याल ज़रूर लाए कि इनका अखलाक इतना अच्छा है तो इनके रसूल का अखलाक कितना बुलंद होगा, कि उनका अखलाक कितना बुलंद होगा,
تو میرا اور آپ کا اخلاق, یہ گفتگو محض گفتگو نہیں, یہ عمل کی متقاضی ہے, عمل چاہیے. ورنہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو, جو اہل ایمان ہو یا ایمان کے دعوے دار ہو, وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے, اللہ کو ایک بات ناگوار گزر رہی ہے. میں وہ کام کر رہا ہوں, ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, بعض اوقات ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اپنے رسول سے ہمیں بے پناہ محبت ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, یہ قرآن فرما رہا ہے, ہماری جانوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل, بات تو میری ہے, آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ تمہاری اتباع کریں. اطاعت اور اتباع میں بڑا فرق ہوتا ہے. حکم مان لینا اطاعت ہو گئی, اتباع نقش قدم پر چلنا, یہ ہے اتباع. میں اتباع کروں گا تو میں محبوب خدا ہو جاؤں گا, میرا مقام کتنا بلند ہو رہا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اب یہ سوچنا چاہیے ہمیں اس جانب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کسے کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کسے کہتے ہیں؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں؟ یہ جہان کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے, لوح قلم تقدیر ہے. تو میں تمہیں تقدیر بنا دوں گا کہ تم جو چاہو گے وہ مقدر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچ جانا. وہ محبت اپنے رسول سے ہماری اگر ہمیں اللہ تک نہیں پہنچاتی تو وہ کیسی محبت ہے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہم میں سے اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جب اللہ یہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور فرمایا ہم نے اللہ سے ٹوٹ کے محبت؟ حضرت قرآن کریم کی ایک آیت, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ ہے وہ سلوگن جو ہر گھر کے دروازے پہ ہونا چاہیے. انا صلاتی, میری نمازیں, میری عبادات, و نسکی, میری قربانیاں, و محیایا, میری حیات, و مماتی, میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ کے لیے. یہ ہے دین, یہ ہے دین جو قرآن کریم فرما رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں رکھ دی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا, اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا. جب چہرہ اللہ کی طرف کر لیا جاتا ہے تو کیا اللہ مایوس کر سکتا ہے؟ کیا اللہ مایوس کر سکتا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہاں تک کہنا پڑا قرآن کریم میں, الیس اللہ بکافی نبدا, کیا اللہ بننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوال کی شکل میں اللہ قرآن میں لا رہا ہے. بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ بندے کے لیے کافی ہے, سوال بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے, علیہ اللہ بے کافی نبدا, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
अल्लाह अकबर, अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है कि मा कदरुल्लाह हक्का कदरही, कि क्या तुमने अल्लाह की कदर उस तरह की जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था, अल्लाह को कहना पड़ा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम हशर कुरान आयत में अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, सोचिए इसको विजुलाइज करें, यौम हशर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर क्या पेश कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या रब्बे इन्ना कौमे तखजू हाजल कुरान महजूरा, ए मेरे रब मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, या रब्बे इन्ना कौमिक तखजू हाजल कुरान महजूरा, हिजरत कर ली कुरान से। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का कौल है, और ये कायनात क्या है? ये अल्लाह का फेल है, अल्लाह के कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। तो क्या मेरे अंदर है ये बात, क्या मैं कुरान करीम को समझ रहा हूँ? कुरान करीम जो सीरत की पहली किताब है, हम जिक्र कर रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम खुश नसीब हैं। तो क्या हम और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपके मर्तबे में कोई इजाफा कर सकते हैं? हम तो अपना अपना कद बुलंद करते हैं आपका जिक्र करके। गालिब कहता है कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तीन, का ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को क्या हम बयान कर सकते हैं? का ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस, अल्लाह ही मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से वाकिफ है, क्या हम वाकिफ हो सकते हैं? तो चंद बातें मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात, एक काम जो टू डूज के हवाले से करने के काम क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो आयात शुरू हो रही हैं, ये कुल तादाद है 89, कुल तादाद 89, ये अहले ईमान मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। तो जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान के दावेदार हो, पढ़ो इन आयात को, पूरा कुरान है लेकिन जो 89 आयात, मैं चंद आयात यहाँ पर पेश करता हूँ। ये आयत ये किसी बाहर चलने वाले के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए। या यो लजीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का हक है। साहबा परेशान हुए, ये वो हक हम कैसे अदा कर सकते हैं? कुरान करीम जवाब दे रहा है कि फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो कम अज कम उतना जितनी तुम में इस्तेताअत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसान की नफ्सियात से खालिक से ज्यादा कोई बाखबर नहीं, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? ये अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है। तो अल्लाह को मालूम है कि एक इंसान पर कोई काम ऐसा नाफिज नहीं करना कि जो नामुमकिनुल अमल हो। या यो लजीना आमनु आमनु बिल्लाह व रसूले, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर। ये क्या बात हुई? एक सवाल जहन में यह आता है ना, ईमान लाओ अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पर, ए ईमान वालो उस तरह जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का हक है। ये अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपनी फैमिली को, अहले खाना को जहन्नम की आग से महफूज रखो। क्या हम कर रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून, ऐ लोगो जो ईमान के दावेदार हो, ये माल और ये औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खसारा पाने वालों में से होगे। ये कुरान करीम फरमा रहा है, ये कोई किसी मुफ्ती या किसी मौलवी या शेखुल हदीस की बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। बहुत सारी आयात मैं यहाँ पर पेश
करूं उससे पहले कि मैं टू डूज करने के काम, क्या क्या मेरा, मैं कुरान करीम के आईने में अपना चेहरा देखता हूं साफ शफाफ है या भद्दा या भद्दा। गर तुम ही ख्वाही इरफान साहब, गर तुम ही ख्वाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज बकुरा जीस्तन। ए मुसलमान, अगर तू मुसलमान की हैसियत से जिंदा रहना चाहता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि तू कुरान को छोड़कर जिंदा रह ले। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हम उम्मती हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमें यकीन है कि हमारी शफात होगी। आप सजदे में हैं और उम्मती 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 आप ये अर्ज कर रहे हैं अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से कि जाओ जाकर कह दो मेरे महबूब से कि मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली है, मैंने उसकी उम्मत की शफात कर ली है। तो बैठे बैठाए शफात, कुछ काम होते किरदार नजर आना चाहिए। अल्लाह के रसूल से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह वाला कौन होता है? अल्लाह वाला वो होता है कि जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। ये है, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे, अगर मेरा किरदार उस मकाम पर नहीं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मतलूब है मुझसे, तो ये सब गुफ्तगू सिर्फ ये हवा में उड़ने के लिए है, वक्ती तौर पर अपने अपनी यानी जज्बाती आसूदगी के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल, क्या अजीब कौल, अल्लाह को दो बातें, बल्कि एक कौल और याद आया मुझे। हजरत उमर का ये कौल कैसा अजीब कौल है, किसी ने उनकी तारीफें की तो हजरत उमर ने फरमाया कि हम कहाँ इज्जतदार थे, इस कुरान ने हमें इज्जत दे दी। अब इस पर गौर करता चला जाए आदमी, हम कहाँ के इज्जतदार थे, इस कुरान ने हमें इज्जत दे दी। हजरत उमर फरमा रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुसलमान किसी को धोखा देते नहीं और मुसलमान किसी से धोखा खाते नहीं। बलागत देखें, आज पूरी उम्मत की सतह पर मुसलमान धोखा दे भी रहे हैं और धोखा खा भी रहे हैं। हजरत उमर ने कब ये बात फरमा दी? तो दीन नाम दीन है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज़ों का, महज कुछ थ्योरीज नहीं है कि जनाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाजें पढ़वाने रोज़े रखवाने हज और ज़कात की बात अहकाम पूरे हो गए उमरा करवाने के लिए तशरीफ लाए थे। वकफा बिल्लाह शहीदा, हक हिदायत अल्लाह ताला के रसूल लाए, निफाज किया, तलाश हक हुआ, निफाज हक हुआ, ऐलान हक हुआ। क्या ये हम कर रहे हैं? क्या ये हम कर रहे हैं? हजरत इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलकल इंसान मिन अलक, ये आयत कहाँ उतरी? गारे हिरा में। जब आप गारे हिरा से उतरे इंसानियत से मिले, दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नजर नहीं आएंगे आपको, इसलिए कि अब काम करना है, इंसान से जुड़ना है, इंसान को खसारे से निकालना है। ये काम दीन करता है, यानी ये काम वही खुदावंदी करती है। कुरान मौजूद है तो मेरे और आपके लिए कुरान है क्या? क्या मैंने कुरान को तरजीह अव्वल बनाया है? अलहम्द से लेके वन्नास। अब मैं अर्ज करूं ये बात, मेरे ख्याल आखिरी बात करें, मैंने वक्त बहुत ले लिया। मुत्तफिक अलैह है एक बात कि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुत्तफिक अलैह, वो कोई भी मसलक हो, कोई भी फिका हो, ये बात तय है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम से लेकर वलद्दौलीन तक, हम में से कितने लोग हैं जो सूरह फातिहा के तर्जुमे से वाकिफ हैं? क्या मजामीन हैं, क्या मजामीन हैं।
अब ये पढ़े लिखे लोगों का इज्तम है, अब मैं कुछ अर्ज करता हूँ यहाँ पर, एक सवाल छोड़ के जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, तौहीद का तारुफ करवाया ना, अल्लाह की हम्द की ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आलमों का रब है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक तमाम तारीफें अल्लाह की हुई, वो कौन सी एक तारीफ थी जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा को मबूस किया जाए? कोई तारीफ बाकी थी अल्लाह की? अल्लाह की मार्फत करवानी थी। रहमान किसे कहते हैं, रहीम किसे कहते हैं? और अलहम से लेके वन्नास तक इंसानियत को खसारे से निकालने वाला कोई नुस्खा अगर है, उसका नाम कुरान करीम है। कुरान और साहिब कुरान दोनों साथ साथ चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाकर कभी अल्लाह तक नहीं पहुंचा जा सकता। नंबर वन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके कभी कुरान समझा ही नहीं जा सकता, कभी कुरान समझा ही नहीं जा सकता। अहादीस, आज सवालात उठाए जाते हैं जानबूझकर कि ये अहादीस 250 साल के बाद कंपाइलेशन हुआ, ये जन्नी चीज़ें हैं, कयासी चीज़ें हैं। हदीस को हटा दें, कुरान की तशरीह नहीं हो सकती, कुरान समझ में नहीं आ सकता। और ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है उसको कंफ्यूज करने के लिए, अरे हदीस को हटा दिया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप चलते फिरता कुरान ना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो हुजूर का अखलाक बयान फरमाइए। आपने फरमाया काना खुलुकहुल कुरान, आपका अखलाक कुरान, आप मुजस्सम कुरान, आप चलते फिरते कुरान। तो कुरान से जुड़ने का अमल कम से कम तीन आयात। मैं और आप बहुत मसरूफ़ हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन 15-20 मिनट हम निकाल सकते हैं। अलहम से शुरू करें, वन्नास तक पहुँचें, कम से कम तीन आयात कुरान करीम की मेरे सामने रोज़ाना हो। और काश मेरी बीवी मेरे बच्चे भी साथ रहें, रात का खाना हम साथ खाएं और डाइनिंग टेबल पे ही हम कुरान करीम की तीन आयात को अपने अंदर उतारें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक साल में अपने अंदर तब्दीली देख लीजिए, सिर्फ एक साल में कुरान करीम वाज़ह होकर सामने आ जाएगा। हम तिलावत करते हैं, बेहतरीन बात है तिलावत करना, इसका अजर बेपनाह है, लेकिन मुझे मालूम तो हो कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, क्या माना है इसके लिए? मुझे मालूम तो हो कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, क्या माना? मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत लहक लहक के पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ना चाहिए, लेकिन मालूम तो हो कि कुरान करीम में अल्लाह मुझसे मुखातबत क्या कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने क्या किया, इकबाल के बकौल, ये हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो, हमने अपने काम अल्लाह पे छोड़ दिए, अल्लाह के काम खुद पकड़ लिए। इरफान साहब, कैसी अजीब बात है, हिदायत देना न देना किसका काम है? अल्लाह का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुबल्लिग दाईये दीन पैदा ही नहीं हो सकते। हम हिदायत को इम्पोज करते हैं। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार से मुशरिकीन से गुफ्तगू करते, उन्हें दीन में लाने की कोशिश करते, वो नहीं मानते, आपको तकलीफ होती, परेशानी होती, और आप की परेशानी कि ऐ अल्लाह मैंने इतने घंटे इतना वक्त इन पर ज़ाय किया, ये आए नहीं इधर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को भेजते हैं, मेरे महबूब पर ये आयत उतारो, लाल्ला का बाकी नफ्सा का अल्लाह यकून मोमिनीन, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपनी जान गंवा देंगे? अल्लाहु अकबर। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वला किन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मेरे महबूब, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिन्हें हिदायत देने की ख्वाहिश रखते हैं
आप हिदायत नहीं दे सकते जब तक के मैं नहीं चाहूं, ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में। तो हमारा काम क्या है? फज़क्किर इन ज़िक्रा तनफ़ाउल मोमिनीन, नसीहत किए जाइए। इन ज़िक्रा तनफ़ाउल मोमिनीन, मोमिनीन को नफा देती है ये नसीहत। सिंपल, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल्लाह कुरान किससे मुखातबत हो रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फज़क्किर जिक्र कीजिए, नसीहत कीजिए। इन्नमा अंता मुज़क्किर, हमने आपको नसीहत करने वाला बनाकर भेजा है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हमने आपको दारोगा बना के नहीं भेजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और जगह कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि अगर आप सख्त गिर होते तो लोग आपके पास से हट जाते, लोग आपके पास से छट जाते। तो क्या मेरे कौल और मेरे अमल में कोई तजाद है? जब अल्लाह कुरान करीम में ये फरमा रहा है कि कुरान करीम में तुम्हारा जिक्र है, फी है जिक्रुकुम, तुम्हारा जिक्र है, तो मुझे और आपको ये देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मेरा जिक्र कुरान करीम में कहाँ है। सच्चों में है, झूठों में है, मोमिनों में है, मुनाफिकों में है, किस में है मेरा जिक्र? या कुरान करीम पढ़कर चले गए, किसी और की बात नहीं हो रही। बनी इसराइल, बनी हमसे पहले बनी इसराइल, मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी रसूल। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमत यल्लती अनमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल उम्मते माजूर, हम उम्मते मामूर। क्या करते थे ये? अफतू मैनू न बेबादिल किताब व तकफुरू न बेबाद। किताब तौरात, कुछ हिस्सों को मानो, कुछ हिस्सों को ना मानो। या यो लजीना आमनुद खुदू फिसल में काफा, ए लोगों जो ईमान के दावेदार हो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं होता कि मीठी मीठी बातें ले ली यहाँ से और जिस पे फैलम तफलू फाजनु बेहर मन अल्लाह व रसूल सूट के हवाले से कि देखो बाज आ जाओ। अगर तुम अब तक बाज नहीं आए सूट लेने से, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग पर तैयार हो जाओ। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करके कोई पनप सका है? ये है अपतु मेनू नबेबादिल किताब व तकफुरू नबेबाद। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये कहीं कौली इकरार और अमली इनकार तो नहीं हो रहा? ये कौली इकरार है लेकिन अमली इनकार है। हमें कुरान करीम दिया गया, किसी भी रसूल का कोई उम्मती कसम खाकर ये बात नहीं कह सकता कि वो वही किताब पढ़ रहा है जो उसके रसूल ने पढ़ी, सिवाय हमारे, सिवाय हमारे। किसी भी किताब के बारे में अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हिफाजत अल्लाह कर रहा है। तो कुरान करीम है क्या? कुरान करीम के मौजज़ात हैं क्या? कुरान करीम के उलूम हैं क्या? कुरान करीम एक समंदर है, उस समंदर में मैं गोताजनी करता हूँ तो मुझे मोती मिल रहे हैं या नहीं? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। इस बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, हमने कुरान करीम में नाजिल किया, मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, शिफा और रहमत मोमिनों के लिए। क्या कुरान से मुझे शिफा मिल रही है? ये शिफा जिस्मानी है, रूहानी है, कौन सी शिफा है ये? अल्लाह फरमा रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाहु अकबर। रहमत कहते किसे हैं? क्या हम पर यह बात वाजे हुई है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ये शिफा भी तुम्हें दूंगा मैं कुरान के जरिए और रहमतें भी नाजिल करूंगा। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत के लिए कुछ लोगों को चुन लेता है। तो क्या मैं उन चुने हुए लोगों में से हूं? क्या मैं कुरान से शिफा ले रहा हूं, रहमत ले रहा हूं? वला यजीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा,
और जो लोग ज्यादती करने वाले होंगे उन्हें कुरान से खसारे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।